अरलमान जगजग सिनि हास्तेनि मुख्यमंत्री अनारेबल सीएम विप्लव कुमार देव जी अनारेबल डेपुटी सीएम जिष्णु जी अनारेबल पार्लामेंट मेम्बर रेबुटी जी सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा जी और मेरा टीपीएफ का फाइटर इंडिजिनस फाइटर वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ देव वर्मा कांतिलाल देव वर्मा सुनांत कुमार जमातिया अमित सदन जमातिया और जैसे करो मन जब फाइक जो तो हाथ एक दो फाली बगै सभा खाई नहीं सेंक्रा खाली फाई तारो निरोग जो तो रो सेलो दिया फरे आज एक नया ऐतिहासिक दिन टुडे इज ए न्यू हिस्ट्रिकल डे जिष्णु जी ने जो कहा ये बात सही है ये त्रिपुरा भूमि ये त्रिपुरा मिट्टी में आज ही पहली बार इंडिजिनस पॉपुलेशन इंडिजिनस पीपल ऑफ पार्टी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सोशली फर्स्ट फॉल ऑफ टीम ज्वाइन इन भारतीय जनता पार्टी मेजर ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंट पार्टी ऑफ द इंडिया डिसिप्लिन पार्टी ऑफ द इंडिया सिस्टमेटिक पार्टी ऑफ द इंडिया दिस इज भारतीय जनता पार्टी आई एम फुल फील टू ज्वाइन टुडे व्हाई क्यों मैंने जनता पार्टी में सुना है आज टीपीएफ 2014 30 जून में गठन हुआ त्रिपुरा में जितना भी नौ राज्य स्वराज्य वहां पे जो कोर्ट नीति शोषण नीति एंड डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसमें जनजाति लोग परेशानी है तो 72 इयर्स आज इसको हटाने के लिए मोदी जी ने अमित शाह जी ने और सबसे हम लोग का ऑनेस्ट सीएम विप्लव कुमार डी जी ने आज ये कोशिश कर रही है त्रिपुरा को शोषण मुक्ति त्रिपुरा बने फास्ट त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने इसी लक्ष्य में इसी विजन में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट का नेत्री पाताल कन्नत जमातिया आज शामिल होकर श्रेष्ठ त्रिपुरा बनने के लिए एक साथ जुड़ा हुआ है ये आज का नया त्रिपुरा का इतिहास है इसलिए आज आप मंच का जो लोग मंच पर आए हुए हैं जैसे सिने हक्सल हक्सल और हसक बेरेमनी संग कोस्त खाएगी तिनी फाइका मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं आज वहां पे 15,000 टू 20,000 शामिल होना था लेकिन क्या हुआ ये दुख का बात है लेकिन प्रैक्टिकल है हम लोग का ही रिजनल पार्टी का नाम से टीपरा मोथा राष्ट्र रुका है गांव गांव में जाकर हुमकी दिया है घर घर में जाकर अटैक कर रही है ताकि आज ज्वाइनिंग पार्टी टीपीए लोग पाताल कन्या का साथ ना जुड़े मतलब क्या है मतलब एक ही है टीपरा ताकि विकास ना हो पाताल कन्या का सिंबल एक विकास है पाताल कन्या का सिंबल एक चैलेंजिंग है पाताल कन्या का सिंबल एक फाइटिंग है फॉर द प्रॉस्पर डेवलपमेंट एंड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा कोई नहीं रुक सकेगा कोई नहीं रुक सकते मुझसे तलवार से मुझसे लाठी से रोक नहीं सकेगा कोई क्योंकि मैं आज तक जो कर रही हूं खुद अपना पैर पैर से उठकर चैलेंज कर रही हूं और मैं स्वागत और बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हो नरेंद्र मोदी जी का जो बीजेपी पार्टी मेरा जो मूवमेंट को मेरा स्ट्रगल को हमेशा आशीर्वाद देते रहा और आज एक साथ में उठकर आया आज अमित शाह जी को भी ये मंच से मैं बहुत बहुत नमस्ते जानती हूँ उसका आदर्श उसका व्यवहार उसका जो इमेज और जो सपना देखा था त्रिपुरा के लिए जनजाति का
development suraksha sara triprakash suraksha development ye sapna ko vastavayan karne ke liye main bhi ek zimindari ho mera bhi ek daitya ho banta hai ye daitya ko nibhane ke liye aas ye manch mein to isliye main ummeed karta hu mukhyamantri ji ka jo honesty hai maine aur ek baar kehna chahti hu जितना भी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हुआ ये पहली बार मेरा मुख्यमंत्री है जो ऑनेस्टली त्रिपुरा का विकास के लिए काम का प्रयास सबका साथ मिलना चाहती है। तो इसलिए मैं आज ये मन से सबको अपील करता हूँ, आज से मेरा पॉलिटिकल लाइफ में मैं भारतीय जनता पार्टी के घुसकर, कोई कहती है त्रिपुरा लेन, कोई कहती है ग्रेटर त्रिपुरा लेन, लेकिन क्यों? फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा, स्पेशली इंडिजिनस पीपल। तो अगर इंडिजिनस पीपल का डेवलपमेंट चाहते, अगर इंडिजिनस पीपल का पीस एंड सिक्योरिटी चाहते, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ के हम लोग का जितना भी जो डेवलपमेंट करना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी देना चाहिए, इसको हम एक साथ काम करेगा। वही है थानसा। कोई कहती है थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगी। कोई कहती है त्रिपुरालेन, ग्रेटर त्रिपुरालेन, मैंने ये नहीं कहेंगी। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी की ओर से, आज ये ग्रेटर त्रिपुरालेन नहीं चाहिए, त्रिपुरालेन नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। तो इसलिए ये त्रिपुरा का जितना भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें हम एक साथ आगे बढ़ना है। आज हम लोग का याद है त्रिपुरा में क्यों आज त्रिपुरालेन ग्रेटर त्रिपुरालेन क्रिएट हुआ डिमांड। एक समय था इंडिजिनस जनजाति का आवाज को कोई नहीं सुनता, इंडिजिनस जनजाति का दुख को समझने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं, ना त्रिपुरा गवर्नमेंट ना भारत गवर्नमेंट। मैंने ऑब्जर्व किया मेरा लाइफ में, जो त्रिपुरा जितना भी पीछे पड़ा हुआ, हम लोग का जो इतिहास पीछे पड़ा हुआ, इसका वजह स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और हम लोग का जो पीपल ऑफ त्रिपुरा, मैं कहेंगे नॉट ओनली त्रिपुरा सा वंशा एंड त्रिपुरा सा, हम लोग का सही ढंग से सही दिशा में चलना नहीं चाहता, चलना नहीं आता, इसलिए त्रिपुरा पीछे पड़ा। आज हम लोग डायनेमिक यंग लीडरशिप, मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर ये वंशा त्रिपुरा का जो सेंटीमेंट, नेहरू सेंटीमेंट है, डेवलपमेंट को ब्लॉक करके रखा है, इसको ओवरकम करके स्वस्थ त्रिपुरा बनाना है, पीस एंड सिक्योरिटी गठन करना है, यही है लक्ष्य। इसलिए आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आज पहले ज्वाइनिंग का डे है। मैं अपील करता हूँ त्रिपुरा जब जनजाति को, हम लोग का इंडिजिनस पीपल को, हम अगर डेवलप चाहिए, पीस एंड डेवलप सिक्योरिटी चाहिए, तो हम एक साथ जुड़ के सबसे आदर्श और भारत बूट का पार्टी, जातीयता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके एक साथ जुड़ के और भी त्रिपुरा को, त्रिपुरा सा को और त्रिपुरा का सब जनता को और भी आगे बढ़े और प्रोस्पेरिटी करे। इसलिए आज मैं यही बात कर रखूंगी, जो भी हम लोग अभी डबल इंजन कह रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं साथी हो नॉट ओनली डबल इंजन, डबल टू डबल एडीसी एंड पंचायत लेवल में भी आने वाला दिन में ये भारतीय जनता पार्टी गठन करूंगे, यही हम लोग का लक्ष्य एंड मकसद। इसलिए जो भी टीपीएफ, त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे से पहले मेरा डीडी जी ने कहा हाँ वो एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम लोग पॉलिटिकली सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी मेरा टीम है, वो फुल अस जनता पार्टी ज्वाइन किया, इसका मतलब टीपीएफ ब्लॉक हुआ नहीं, टीपीएफ एक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन है
टीपीएफ एग्जिस्टिंग है, टीपीएफ रहेगा, टीपीएफ का जो एनजीओ का काम वो चलते रहेगा।